हेलो गाइस, माय सेल्फ अतुल द्विवेदी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बाइंडी ट्यूब प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पहले भी ये बातें इन्फॉर्म की जा चुकी है कि हम लोग एक नए कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स सीरीज। उसी कोर्स के अंतर्गत हम लोग आज बात करने वाले हैं। जानिए क्या क्या है आपके सिलेबस में। आपके ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स सीरीज का जो सिलेबस है, जो बुक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। तो आइए ले चलते हैं आप लोगों को डायरेक्टली आपके सिलेबस की ओर। तो स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा आपके सिलेबस का ओवरव्यू। तो आइए बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपने इस कंप्लीट सिलेबस में। तो आपका सबसे पहला जो चैप्टर होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर होगा। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस, या फिर कैसे कंप्यूटर किसी काम को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, जैसे कोई बाइक हो गया, कोई ट्रेन हो गया, तो हर किसी का क्या होता है, एक ड्राइवर होता है, ऑपरेटर होता है। वैसे ही कंप्यूटर को जो ड्राइव करेगा, जो ऑपरेट करेगा, इट मीन्स कैसे वो किसी की बातों को समझता है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका एमएस ऑफिस, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है एमएस वर्ड। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल पढ़ने वाले हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा वगैरह मैनेजमेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर है एमएस पावर पॉइंट, इसमें कैसे हम लोग प्रेजेंटेशन को बना के, कैसे बड़े से डेटा को सॉर्ट करके छोटे छोटे फॉर्म में क्या करते हैं, किसी के सामने इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद है ईमेल सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, कैसे हम लोग किसी को मेल करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, सोशल नेटवर्किंग क्या है, या गवर्नमेंट की कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज होती हैं, उनके बारे में हम लोग भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑन फ्यूचरिस्टिक्स आईटी टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी। तो फ्यूचर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत सारी नई नई चीजें आप लोग के सामने आ रही है, या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कैसे हम लोग किसी प्रॉब्लम को अपने सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन, इसके अंतर्गत जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, थर्ड पार्टी ऐप वगैरह यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड नेक्स्ट है आपका जो नया ऐड हुआ है सिलेबस में, लिब्रे ऑफिस है, ये भी एज इट इज एम एस वर्ड की तरह ही कंप्लीटली वर्क करता है। बस इसमें क्या है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, इसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। तो दोनों का काम तो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है क्या कुछ आता है आपके सिलेबस में, इट मींस कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स की क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों चैप्टर से आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कंप्लीट 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद है वर्ड प्रोसेसिंग यूजिंग एमएस वर्ड से भी आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, एक्सेल से भी 20 मार्क्स है और पावर पॉइंट से भी 20 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट WWW एंड वेब ईमेल सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, इसमें से आपको कंप्लीटली 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस एंड ओवरव्यू ऑन फ्यूचरिस्टिक्स आईटी टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी, इसको टोटल करने पे आपका जो 100 मार्क्स होगा, यही आपका डिवीजन है कंप्लीटली, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन भी होते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू ही होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सिलेबस के बारे में कि समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आसानी से उसको पूछ सकते हैं, या फिर आपको नीचे बोर्ड पे टेक्स्ट मूव कर रहा होगा, वहां पे आपको ऑफिशियल नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप उस ऑफिशियल नंबर के थ्रू भी, व्हाट्सएप या फिर कॉलिंग के थ्रू भी, आप किसी भी प्रॉब्लम को पूछ के उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।